छोटी बहू सुधा भार्गव। बेटी की विदाई के समय आकाश की रुलाई फूट पड़ी और सुबकते हुए अपने समधी जी से बोला, भाई साहब मेरी बेटी को सब आता है पर खाना बनाना नहीं आता है। समधी बने मनोहर लाल ने सहजता से कहा, कोई बात नहीं, आपने सब सिखा दिया, खाना बनाना हम सिखा देंगे। सरस्वती के पुजारी समधी जी आज फूले नहीं समा रहे थे। घर में पढ़ी लिखी बहू जो आ गई थी, जो भी मिलता कहते, भाई पांच पांच बेटियां विदा करने के बाद घर में एक सुघड़ बेटी आई है। शाम का समय था। कमरे में बिछे कालीन पर एक चौकी रखी थी जिस पर चाय नाश्ता सलीके से सजा था। नंद देवर अपनी भाभी को घेरे बैठे थे और इंतजार में थे कि कब घर की बड़ी बहू आए और चाय पीना शुरू हो। कुछ मिनट बीते कि जेठानी जी थम से कालीन पर आकर बैठ गई और बोली, हे राम, मैं तो बुरी तरह थक गई, मुझसे कोई उठने को ना कहना। और हाँ छोटी बहू, मुझे एक कप चाय बना दो और तुम लोग भी शुरू करो। चाय के दो चार घूंट भरने शुरू भी नहीं हुए थे कि छोटे बहू बेटे को ढूंढते हुए ससुर जी उस कमरे में आ गए और बोले, रामकृष्ण तो यहाँ नहीं आया। बड़ी बहू ने जल्दी से सिर पर पल्ला डाल घूंघट काट लिया। छोटी बहू तुरंत खड़ी हो गई और एक कुर्सी खींचते हुए बोली, बाबूजी आप जरा बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, भैया जी तो यहाँ नहीं आए। ना बहू, मैं जरा जल्दी में हूँ, चाय रहने दो। फिर बड़ी बहू से बोले, इंदा मैं जाता हूँ, अब से तुम भी पर्दा ना करो। नहीं बहू, आज कल के जमाने की है, अब कोई पर्दा सर्दा नहीं करता। पहले जब मैं पर्दा नहीं करना चाहती थी तब मुझसे पर्दा कराया गया, अब आदत पड़ गई है तो कहा जा रहा है कि पर्दा ना करो, अब तो मैं पर्दा करूंगी। नई नवेली बहू आश्चर्य से जिठानी की तरफ देख रही थी। यह कैसा पर्दा, बड़ों के प्रति जरा भी शिष्टता आदर भावना नहीं। मनोहर लाल जी बड़ी बहू के रवैये से खिन्न उठे। उसने नई दुल्हन का भी लिहाज ना किया, अपना सा मुंह लेकर चले गए। उनके जाते ही एक वृद्धा ने कमरे में प्रवेश किया। यहां कोई आया था क्या, जासूस की तरह पूछा। हाँ बाबूजी आए थे, जिठानी जी ने कहा। बात कर रहे थे? हाँ, बाबा जी मम्मी से कुछ कह रहे थे और चाची जी से भी बातें की थी। चाची जी से तो बात करना सबको अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, वे हैं ही बहुत प्यारी प्यारी। ऐसा कहकर बच्चे ने छोटी बहू का हाथ चूम लिया। छोटी बहू अभी तुम नहीं आई हो, ससुर से बात करना ठीक नहीं है, भौं टेढ़ी करते हुए वृद्धा बोली। यदि मुझसे कोई बात पूछे उसका जवाब भी ना दूं, यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। दूसरे ही क्षण मेहमानों से भरे घर में हर जुबान पर एक ही बात थी, छोटी बहू बड़ी तेज और जबानदराज है। उसके बिना सुरेश शर्मा। वह जब भी कुछ लिखने बैठते दो साल का पोता उनके पास चलाता, कभी टेबल के नीचे घुसकर उनकी टांगों से लिपटकर खरोचता रहता, कभी पेन या चश्मा झपट लेता। उसकी इन बाल सुलभ चंचलताओं के मध्य उनका कार्य भी बिगड़ जाता था। आज सुबह से ही बिना नहाए धोए वे लिखने में व्यस्त थे। समाचार पत्र की मांग पर किसी प्रसंग विशेष पर लेख शाम तक तैयार करना था। प्रेस से दो बार फोन आ चुके थे। घर के सारे काम निपटा कर बहू ने कहा, पिताजी यह शैतान आपको चैन से काम नहीं करने देगा, मैं इसको पापा के यहाँ ले जाती हूँ, शाम तक लौट आऊंगी, तब तक आपका काम भी निपट जाएगा। उसके गए दो घंटे से ज्यादा हो चुके थे। घर सूना था, एकदम शांत, फिर भी लेख आगे नहीं बढ़ पा रहा था। विचारों के घोड़े लेख के बजाय बहू के घर की ओर दौड़ने लगते। वह मेरे पास आने के लिए मचल तो नहीं रहा होगा, उनका उबड़ खाबड़ आंगन है, भागदौड़ में कहीं गिरा तो नहीं होगा, बहू तो है ही बातों नहीं, फिर माँ बेटी मिल जाने पर बच्चे की चिंता रहेगी उसे। उन्होंने सोचा
कि विचारों के घोड़े इसी तरह बहू के घर चक्कर काटते रहे, तब तो यह लेख पूरा होने से रहा। आखिर उससे रहा ना गया, वे फोन उठाकर बहू के घर का नंबर मिलाने लगे। क्राइटेरिया, दीपक मशाल। हाई कमीशन के हिंदी विभाग से जवाब आया कि उसकी पंडुलिपि को नवलेखन पुरस्कार के लिए स्वीकृत नहीं किया जा सकता क्योंकि वह क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठती। इस अनुदान के लिए सिर्फ अप्रकाशित पुस्तकें मान्य हैं। मुस्कुराकर उसने पिछले साल के जवाब से इसका मिलान किया, जिसमें कि अंतिम मौके पर कहा गया था कि आपका यह संग्रह चूंकि पूर्व में प्रकाशित हो चुका है, इसलिए आपको अनुदान नहीं दिया जा सकता। अनुदान सिर्फ अप्रकाशित कृतियों को दिया जाता है। बाद में पता चला था कि जान पहचान के किसी योग्य को अनुदान दिया गया था। वह समझ चुका था कि इस बार भी किसी योग्य को ही मिलेगा। उसने ईमेल को स्पैम में डालकर अनसब्सक्राइब कर दिया।